ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। बचपन में जब भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियां सुनकर आपको डर लगता था तो आप क्या करते थे? जब तेज हवा के झोंके से खिड़की खड़क जाती थी और हर आहट ये एहसास कराती थी कि दरवाजे के पीछे कोई है, तो सिर्फ माँ की गोद ही वो जगह होती थी जहां पहुंचते ही सारा डर गायब हो जाता था। पर क्या हो जब आपका डर माँ की गोद में भी आपका पीछा न छोड़े? कुछ किस्से डरावने होते हैं, कुछ किस्से हैरत अंगेज, पर कुछ किस्से इन सब से परे होते हैं। आज मैं एक ऐसी ही अजीबोगरीब दास्तान लेकर आया हूं जिसे सुनाने से पहले आपके पास मैं सिर्फ एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि क्या दुनिया का कोई कानून आपको किसी मरे हुए इंसान को मारने की सजा दे सकता है? आज आप सुनेंगे भोपाल में रहने वाले बिजनेसमैन जय वर्मा की कहानी। बात उस समय की है जब मेरी पत्नी सुनैना प्रेग्नेंट थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरी पत्नी सुनैना 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसको आयरन की कमी है, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं ये बात सुन के थोड़ा डरा हुआ था। सुनैना को कंप्लीट बेड रेस्ट करने को बोला गया था, पर मेरे मना करने के बाद भी सुनैना अभी भी घर के सारे काम खुद ही करती थी। बात एक शाम की है जब मैं ऑफिस से घर लौटा। दरवाजा खुला है, आ जाओ। सुनैना, ये तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नीचे उतरो, चलो अभी। ओहो, तुम्हें मना किया है ना, फिर क्या जरूरत थी पंखे को साफ करने की? अरे कल बाई आके कर लेगी। अरे कौन सा, मैं कुतुब मीनार पर चढ़ गई हूँ। जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, मैं चाय बनाती हूँ। मतलब तुम नहीं मानोगी ना? अच्छा बाबा, ये तो हो गया, आगे से सिर्फ बेड रेस्ट बस। ऊपर जाने के लिए मैं जैसे ही मुड़ा कि अचानक से सुनैना की चीख सुनाई दी। सुनैना, क्या हुआ सुनैना, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आवाज ही गले में अटक गई थी। स्टूल नीचे गिरा हुआ था और सुनैना उसके बगल में जमीन पर थी। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। मैं भागते हुए उसके पास आया। मना किया था ना तुम्हें? हाँ, ये क्या किया तुमने? जे, बहुत। सुनैना, तुम घबराओ मत, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेरे सीने में क्या? सुनैना। सुनैना पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, अभी तक तो सब ठीक था, अचानक ये सब कैसे? मैं उसे तुरंत कार में लेकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, इसे क्या हो गया? प्लीज डॉक्टर, आप बाहर वेट करिए, इन्हें हार्ट अटैक आया। लेकिन प्लीज डॉक्टर, इसे प्लीज। सुनैना का शरीर ठंडा पड़ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया था। वो उसे तुरंत आईसीयू में ले गए। मुझसे 1 मिनट भी वेट नहीं हो रहा था। कुछ 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। आई एम सॉरी मिस्टर जय, आपकी वाइफ को मेजर हार्ट अटैक आया था और वो अभी कोमा में है। आपके बच्चे की जान को भी खतरा है। क्या? अगर बच्चे को बचाना चाहते हैं तो हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी डॉक्टर। देखिए मिस्टर जय, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम शायद बच्चे को भी बचाना पाए। नहीं 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 डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत बोलिए। कुछ भी कीजिए पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। ऑपरेशन की तैयारी करो। दिमाग काम नहीं कर रहा था, 1 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। मैं डॉक्टर के साथ अंदर ऑपरेशन रूम में गया।
सुनैना को ऐसे बेड पे देख के मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह डॉक्टर ने ऑपरेशन पूरा किया और मैंने पहली बार अपने शिव को देखा, पर फिर कुछ ऐसी बात हुई जिसने डॉक्टर्स और मुझे हम सबको हिला कर रख दिया। जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, जय, अचानक से सुनैना एकदम उठ गई। हर कोई उसे देखकर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। दिस इज इम्पॉसिबल। सुनैना, देखो देखो हमारा बच्चा। दूर ले जाओ इसे मुझसे। सारे डॉक्टर्स हैरान थे कि जो पेशेंट डीप कोमा में थी उसे अचानक से होश कैसे आ सकता है। मुझे तो सिर्फ खुशी थी कि मुझे मेरी बीवी और बच्चा दोनों वापस मिल गए। एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं सुनैना को लेकर घर वापस आ गया। शायद बीमारी का असर था या वो कमजोर थी, पर सुनैना को जब से होश आया वो सिर्फ चुप थी। पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अपने बच्चे को गोद में लेने को कभी तैयार ही नहीं होती थी। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ सा जाता था। उस दिन जब मैं शाम को घर गया तो सुनैना, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? देखो इसे भूख लगी होगी यार। ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? ये लो पकड़ो इसे। नहीं, मैं नहीं इसे। सुनैना, अरे चोट लग गई है इसे। तुम्हें हो क्या गया है? पता नहीं वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे शिवो को देने की कोशिश की, उसने अपना हाथ ही हटा लिया और वो मेरे हाथों से गिरते गिरते बचा। ये वही सुनैना थी जो कि पिछले 8 महीनों से उस बच्चे का इंतजार कर रही थी और अब उसे छूने को भी तैयार नहीं थी। बहुत बोलने के बाद किसी तरह वो उसे दूध पिलाने को तैयार हुई। ये रोज का किस्सा हो गया था। मैंने सुनैना को डॉक्टर को भी दिखाया, पर कोई बात बन नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ था, अब क्या हो गया था। और फिर एक दिन जैसे ही मैं सवेरे उठा, मैंने शिवु की रोने की आवाज सुनी और सुनैना नीचे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी एकदम बेपरवाह। सुनैना, सुनैना कहाँ हो तुम? अरे शिवु कहाँ रो रहा है? हाँ पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अरे वो पता नहीं, बाथरूम में था शायद। मैं बाथरूम की तरफ भागा। शिवु की रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं दौड़ते हुए ऊपर गया और देखा कि शिवु एक टब में लेटा है और पानी ऊपर से गिर रहा है। वो लगभग पानी में डूब चुका था। मैंने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला। अगर मुझे 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैं जैसे उसे पानी से निकाल के पीछे मुड़ा तो सुनैना वहां खड़ी थी। उस समय मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने ये डिसाइड किया कि अब सुनैना को बच्चे के पास एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर बच्चे को सबसे ज्यादा खतरा उसकी अपनी माँ से था। सुनैना पागल हो गई थी या क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को भी सुनैना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। 4 दिन बाद घर में शिवु के नामकरण की पूजा थी। घर में हमारे पुराने पंडित शास्त्री जी आए हुए थे। उन्हें सुनैना को देखते ही कुछ अजीब सा लगा। पूजा खत्म होते ही उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। जय। जी शास्त्री जी, बोलिए। बेटा, तुम जिस समस्या को लेकर परेशान थे उसका समाधान मुझे दिख गया है। जी, आप सुनैना के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी के अंदर एक बुरी आत्मा का वास है। तुम्हारे बच्चे के जन्म लेने के समय जब वो कोमा में थी तब वो बेहोश नहीं, मृत थी। क्या? तब उसकी आत्मा ने उसके शरीर से पलायन किया और एक दूसरी शैतान आत्मा जो वहीं थी उस शरीर में प्रवेश कर गई। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे अंग्रेजी में सोल एक्सचेंज कहते हैं और जो आत्मा तुम्हारी पत्नी के अंदर है वो तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती है। जय, तुम अपने बच्चे को लेकर कहीं और चले जाओ। नहीं 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 शास्त्री जी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं सोचकर हैरान था कि क्या ऐसा हो भी सकता है। मैंने कभी भूत प्रेत आत्माओं पे
भरोसा ही नहीं किया था। मैंने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शायद कोमा में जाने से सुनैना की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगी। ये सोचकर मैंने ये बात सुनैना या फिर किसी और को भी नहीं बताई। मैंने सोचा सुनैना की तबीयत ठीक होने तक अगले कुछ दिनों मैं घर पर ही रहता हूँ। अगले दिन रात को मैं शिवो को सुलाने की कोशिश कर रहा था और वो रोए जा रहा था, तब सुनैना आई। लाओ मुझे दो, मैं सुला देती हूँ इसे। नहीं, मैं सुला दूंगा, ठीक है। लाओ लाओ दो ना, कब से रोए जा रहा है। मैंने कहा ना मुझे दो, मैं सुला देती हूँ इसे। पर दो। सच तो यह है कि मुझे डर लग रहा था, पर फिर भी मैंने शिवू को सुनैना को दे दिया। उन दोनों को ऊपर जाते देख के कुछ खटक रहा था, पर ना जाने कैसे सुनैना की गोद में जाते हुए शिवू ने रोना बंद कर दिया। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा जैसे सब फिर से ठीक हो गया, पर कहीं ना कहीं पंडित जी की बात मन को डरा जाती थी। मैं कुछ देर रुका, फिर पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऊपर जाने लगा। और जैसे ही मैंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला तो देखता हूँ कि सुनैना शिवू के ऊपर एक पिलो रखकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। सुनैना, सुनैना, छोड़ो इसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? शायद पंडित जी की बात सच थी। मैं तुरंत सुनैना के पास गया और उसका हाथ पिलो से हटाया। उसने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखें लाल थी और न जाने कहां से एक अजीब सी ताकत आ गई थी उसमें। हट जाओ तुम, हट जाओ। क्या कर रही हो तुम? अरे मर जाएगा वो। सुनैना, मारना चाहती हूँ इसे, मरना पड़ेगा। सुनैना, वो हमारा बच्चा है, पागल। नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं है। छोड़ो, नहीं है वो। सुनैना छोड़ो उसे, छोड़ो। नहीं सुनैना, नहीं मुझे अभी छोड़ो। सुनैना, सुनैना। मैंने किसी तरह सुनैना से शिवू को लेके उसे उसके पालने में लिटा दिया, पर सुनैना के ऊपर न जाने कौन सा भूत सवार था, वो मुझे मारने के लिए आ गई। उसने दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश की। अब कोई नहीं बचेगा, छोड़ो, कोई भी नहीं। क्या कर रही हो? छोड़ो सुनैना, कोई नहीं बचेगा तुम में से। छोड़ो सुनैना। वो पूरी ताकत से मेरा गला दबा रही थी। मैं चाह के भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल में रखा एक फूलदान दिखा दिया और मैंने उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से सुनैना के सर पर दे मारा। पर फिर भी उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में ही सब कुछ धुंधला सा हो गया। उस धुंधलाहट में मुझे सुनैना गिरती हुई नजर आ रही थी। अचानक से मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे तेजी से धक्का मारा हो और फिर मैं बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद जागा तो घर पे पुलिस आ चुकी थी। शायद शोर की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बुलाया होगा। मेरी एक नजर शिवू की तरफ गई। वो एक औरत की गोद में लिपटा हुआ था। पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी बात हुई कि बस मैं उसे उठाऊं और खिड़की से बाहर फेंक दूं, क्योंकि वही इन सारी परेशानियों की जड़ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर जाने क्यों मैं उठ ही नहीं पा रहा था। क्या कहेंगे यार, जब एक माँ ही अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन जाए। पर इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। जय आज भी जेल में है और ये कहानी जय ने मुझे जेल से ही रिकॉर्ड करके भेजी है। पर इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू आप अब सुनिए। मैं अपनी बीवी के खून के इल्जाम में जेल में हूँ। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शिवू अपने दादा दादी के पास है, लेकिन मैं उसे नहीं मिल सकता। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, क्योंकि उस रात के बाद मेरे अंदर जो बदलाव आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। पहले पहले मुझे ये सब वहम लगता था, पर शायद ये वहम नहीं था। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि मुझे शिवू का खून करना है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुनैना के अंदर जो आत्मा थी वो अब मेरे अंदर है और वो चाहती है कि मैं शिवू का खून कर दूं। और वही होगा, मैं सिर्फ जेल में अपने दिन गिन रहा हूं। जय की पत्नी की मौत वाकई वैसे ही हुई जैसा उन्होंने कहा।
ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज है, पर मैं यही उम्मीद करता हूं कि जय ने जो कुछ करने की ठानी है वो कभी सच न हो। मैं इस कहानी के तथ्यों की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये जो कुछ आपने सुना वो जय की आप बीती थी उसी की जुबानी, पर हो सकता है कि जो कुछ जय ने कहा वो सच था या जय की बनाई हुई एक कहानी। लेकिन इसके बीच से एक सवाल उठता है कि जो कुछ आपने सुना कल रात मैं फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, और तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।